नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। मामा के पास से चकनाचूर हो गए हैं, लेकिन मामा की बुद्धि अभी भी स्थिर है। मामा ने संदेश भिजवा दिया है भगवान बलराम गुरु पुत्र के हाथों, भगवान बलराम के पास, कि भगवान बलराम आपके छोटे भाई, आपके अनुज बहुत अधर्म कर रहे हैं। उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने इस प्रकार का छल किया है कि हम लोग युद्ध हारने के कगार पे आ चुके हैं और अब एक तपस्वी स्त्री की तपस्या भी पूरी नहीं होने दे रहे हैं। बात यहाँ केवल दुर्योधन की नहीं की है उन्होंने, यहाँ उन्होंने किया है कि देवी गांधारी की बात, देवी गांधारी का जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल दुर्योधन को दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने छल करके उनका जो भाग है वो निर्बल कर दिया, तो उनका तपस्या का फल उनको पूरा नहीं प्राप्त हुआ। अब भगवान बलराम स्वयं आए हैं युद्ध भूमि में अंकुश लगाने के लिए भगवान वासुदेव। ऐसा ही सीन हमें देखने को मिला था एक बार और, जब निर्णय लेना था कि भगवान श्री कृष्ण किस पक्ष में रहेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और आज ये दूसरा सीन। चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं एपिसोड 258 पार्ट 2। परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कान्हा? तुम्हारे इस एक कृत्य से मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। कान्हा, तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल, अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी, इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता था, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था। परंतु फिर भी तुम दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न कर उसके एक अंग को निर्बल रह जाने दिया। अब युद्ध भूमि में उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दोगे। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रिय अनुज, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सबका वध कर देते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो ना मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूं दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति, क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है धर्म, जिसके सागर में आप स्वयं वास करते हैं। आप शैया बनाकर मुझे धारण करते हैं और छत्र बनाकर मेरा रक्षण करते हैं। आप सब जानते हैं दाऊ। मैं कुछ नहीं जानता, अपने मानव स्वरूप के अनुरूप मैं अज्ञानता प्रदर्शित करता रहूंगा। परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया, यह हिंसा क्यों करवाई? मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता, उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता। आज समाज ने धर्म स्थापना का मूल्य अपने रक्त से चुकाया है। इस धर्म का नाश अब सरलता से नहीं होगा। यदि ऐसा है प्रिया, तो यह मूल्य तुम अपने प्रिय पांडवों को क्यों नहीं चुकाने देते? क्यों पग पग पर उनकी सहायता करते? आपका क्या आदेश है दाऊ? तुम भीम को विजय की ओर संकेत नहीं करोगे, दुर्योधन के निर्बल अंग के विषय में किसी से चर्चा नहीं करोगे। देखो, युद्ध समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार, केवल एक बार, पांडव अपनी विजय का मार्ग स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। मैं भली भांति जानता हूं शकुनी ने मुझे यहां क्यों बुलवाया है, तुम्हारे लिए बंधन निर्मित करने हेतु, किंतु वो मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं तुम्हारा सेवक हूं। केवल इस मानव स्वरूप में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का भेष बनाकर आया।
देखो कान्हा, मैं यहां युद्ध के नियमों के उल्लंघन की चर्चा करने नहीं आया, ना ही छल कपट की निंदा करने आया। वो सब तो हो चुका है, परंतु सोचो, यदि मानवता को यह लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र तुम्हारी कृपा ही पर्याप्त है, तो लोगों का पुरुषार्थ परिश्रम करने से विश्वास ही उठ जाए, पुरुषार्थ को त्याग देंगे। इसलिए हे वासुदेव कृष्ण, मैं मानव स्वरूप में तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मानवता की भलाई के लिए पुरुषार्थ का पुनः स्थापन करो। अद्भुत भी मिला है। आप उचित कह रहे हैं बड़े भैया, मैं आपको वचन देता इस द्वंद में मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। पांडवों को उनका मार्ग स्वयं ढूंढना होगा। दुर्योधन की विजय भी हो जाए तो भी नहीं रोकूंगा। मामा और अश्वत्थामा, एक दिन हुआ करता था जब ये पूरा भरा रहता था। कैन सल में नजर आ रहे हैं। हाँ राजा, सल में नजर आया तब। मतलब वो सीन देखने में अच्छा था जब दुर्योधन पिछले एपिसोड में बोल रहे थे कि हाथी के लिए 5 आदमी लगते हैं, 4 और लेते आओ अगर कोई बचा है तो। कहाँ से लाएंगे, दूसरे जगह तो लाना पड़ेगा। स्वस्थ हो जाएगा ना, मेरी योजना स्वस्थ है गुरु बच्चे। श्रीमान बलराम वासुदेव कृष्ण पर अंकुश लगाकर हमारी विजय को पंख दे दी। अब यदि दांत निकल गए, मेरे बच्चे दुर्योधन को गदा युद्ध का आवाहन देगा तो श्रीमान बलराम उससे नियम का पालन करवाएंगे, और यदि भीम ने बच्चे दुर्योधन के साथ द्वंद नहीं किया तो बच्चे दुर्योधन के वज्र का दे चारों पांडवों को कुछ देगा। भाई एक हाथ की एक्सरसाइज कितनी होती है ना। भीम की पराजय निश्चित है। किंतु गंधार राज, दुर्योधन इस निद्रा से कब जागेगा? शस्त्रों को पहले अग्नि में दबाकर पीतल जल में डालकर कठोर बनाया जाता है, वैसे क्रोध की ज्वाला जब शांत होकर प्रतिशोध का कवच धारण करेगी तब मेरे बच्चे दुर्योधन की चेतना जाग जाए। वाह मामा वाह। मेरे बच्चे दुर्योधन को जगाने का समय आ गया। ट्रायल मोड चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मरना है तो यही मरो। वज्र का शरीर हुआ है कि नहीं चेक तो कर ले। हो गया। कहा चीटी काटी जिंगला लहू जिंगला लहू हर हर सीधा चल रही भाई। प्रहार भाग गया सर भाई। भाई देख नहीं रहा इस वक्त नहीं आए।
भाई क्या पीजीएम दिया, मार दिया भाई, पूरा वज्र हो गया भाई, आवाज तंदर से आ रही है टीना। मेरे बच्चे ट्रांसफॉर्मर बन गए हैं। चांद को अब ये कवच अभेद है। मेरे बच्चे अभिनंदन भाई, ये तो परिवर्तित हो गए हैं, पिशाच लग रहा है एकदम, छुआ नहीं। वज्र की देह प्राप्त करने पर अभिनंदन, मेरी प्रिय बहन तपस्या अब सफल हुई। नहीं मामा श्री, आपके जीवन भर का श्रम सफल हुआ है। आपका एक ही लक्ष्य था, मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाना। भाई टन टन आवाज आ रही है। आज मेरी विजय यात्रा में कोई बाधा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। भाई ऐसे ही ना चले जाए भाई, ये दोनों में युद्ध लड़ने मैं भी जा रहा हूँ। तो दुर्योधन का शरीर बन गया है वज्र का, और कि वो बन गया है टर्मिनेटर। हमने बचपन में एक गेम खेला था टेकन 3, उसमें गंजैक नाम का एक कैरेक्टर था, उसकी जो ट्यून थी बैकग्राउंड की या फिर उसका जो हाईलाइट पॉइंट था वो यू था, वो, टन, हाँ, टन, टन, वो ऐसी टन टन की आवाज आती थी मुझे जब भी देख रहा था, वही याद आ रहा था। और कोई भी शस्त्र तक एक खरोच भी नहीं दे पा रहा, अपनी माँ के जीवन का संपूर्ण आशीर्वाद, संपूर्ण तप उन्होंने उपयोग कर लिया है। यदि अब भी वो पराजित हो गए तो ये पराजय कहीं ना कहीं उस माँ की भी होगी जिसने जीवन भर अपना तप संचय किया। बात तो बड़ी बस जिस तरीके का भगवान, पहले भगवान बलराम इसीलिए आए हैं ना कि आपने इस वक्त जो कार्य किया है उससे तपस्या से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, या यूं कह ले दो चीजें होंगी, या तो तपस्या से विश्वास उठ जाएगा और नहीं तो केवल पुरुषार्थ बचेगा ही नहीं, पुरुषार्थ से विश्वास उठ जाएगा। कि ऐसे पुरुषार्थ का क्या फायदा, जब आपकी कृपा से सब प्राप्त हो जाएगा तो पुरुषार्थ रखने से कोई परिश्रम ही नहीं करेंगे मनुष्य। जिस तरीके का इसमें दृश्य दिखाया गया कि भगवान बलराम ने स्वयं ये कहा कि उस मूर्ख को ये नहीं पता कि मैं स्वयं आपका सेवक हूं, केवल इस मनुष्य रूपी जीवन में मैं आपके बड़े भाई की भूमिका निभा रहा। और बड़ा ही आनंददायक था फिलहाल, तरीके से उन्होंने आवाहन दिया वो देखने बड़ा आनंद आया। अभी देखिए जब गदा युद्ध होगा तो बलराम स्वयं रहेंगे वहां पे ये निरीक्षण करने के लिए कि मेरा अनुज कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और ये जो युद्ध हो रहा है गदा युद्ध ये एकदम सटीक होना चाहिए। तो भगवान वहां स्वयं मौजूद रह करके इस चीज का निरीक्षण करने वाले हैं, युद्ध में नियम का खंडन होगा कि नहीं होगा ये तो युद्ध में ही पता चलेगा। लेकिन भगवान ने उनको वचन दे दिया है कि मैं कुछ भगवान के मुख से निकला हुआ वचन क्या भी हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं मिथ्या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।